सब्सक्राइब करें हमारे विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो लीजिए, आज हम बना रहे हैं राजस्थानी मिर्च के टिपोरे, और ये खाने में बहुत ही बढ़िया होते हैं और राजस्थान में ये बहुत ही फेमस है और इसके बिना खाना अधूरा है वहाँ पे। और लोग इसको बना के 10 से 15 दिन के लिए इसको बना के रख भी लेते हैं, और इसको रोटी पराठा चावल किसी भी खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मिर्च के टिपोरे। तो इसके लिए हमने हरी मिर्च लिए हुए हैं और इसमें सीजन भी चल रहा है हरी मिर्च का, तो वैसे तो ये बारह मास मिलते हैं मगर इसमें सीजन ज़्यादा चल रहा है, तो आप इस तरह हरी मिर्च लें बिल्कुल ताजे। तो हमने ये बड़े वाले लिए हैं और ये थोड़े, वैसे देखिए कि जैसे ये थोड़े तीखे भी हों, तो इस तरह मैंने इनको धो के साफ करके सुखा लिया है और इसके भी छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो देख लेते हैं इसके मसाले। तो ये हमने लिया है सौंफ पाउडर, जिसको हल्का सा हमने भून के इसका पाउडर बना लिया है, और तड़का देने के लिए हमने लिया हुआ है एक चम्मच सरसों के दाने, एक चम्मच हमने मोटी सौंफ यानी साबुत, और आधा चम्मच जीरा लिया है, और एक चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे, और दो चम्मच हमने आमचूर पाउडर खट्टा करने के लिए, दो बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, और नमक हम थोड़ा इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि मिर्च में थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगता है, तो हमने मिर्च के लिए हमने नमक लिया है दो चम्मच बड़े। तो और ये मिर्च हमारी 500 ग्राम है और इसको अब काट लेंगे। तो सबसे पहले हम मिर्च को इसके डंठल निकाल देंगे ये ऊपर का, और इसके बाद हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। और मिर्च के टिपोरे बनाने के लिए आप मोटी मिर्च लें, और छोटे मिर्च के भी बन जाती है मगर इसके ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमने ये देखिए इस साइज का हमने इस तरह काट लिया है, और इसी तरह मिर्ची को हम काट लेंगे। और देखिए मैंने सारे मिर्च इस तरह काट लिए हैं, और अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे गरम होने के लिए, और कढ़ाई भी हमारी गरम हो चुकी है। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे, अब हम तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। और मिर्च के टिपोरे आप सरसों के तेल में बनाएं क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा बनता है, तो इसको हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम ये तीनों साबुत मसाले, इसमें हमने सौंफ, सरसों के दाने और जीरा ये भी लिया हुआ है, और आपको हम हींग बताना भूल गए थे, और इसमें हम थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और इसमें थोड़ी सी हींग देंगे, और हींग डालने से इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है, और राजस्थानी जो चीज़ें बनती हैं उनमें हींग और जीरा बहुत ही मस्त जरूरी है। तो इसमें हमने हींग डाल दिया, हींग की भी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, और देखिए अच्छे से ये भुन चुका है। अब इसमें हम कटे हुए मिर्च डाल देंगे, और आपको थोड़ा मीडियम ही रखेंगे। और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको कुछ देर के लिए भर देंगे। और एक से दो मिनट हो चुके हैं, इनको एक बार हम चेक कर लेंगे।
अब इसमें हम नमक डाल देंगे, हमने आमचूर पाउडर और हल्दी भी डालेंगे। और इसमें हमें हम भुना हुआ सौंफ का पाउडर वो भी डाल देंगे। और मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आज को हम थोड़ा धीमा ही रखेंगे। इसको बराबर करते हुए इसको हम ढक देंगे और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे जिसमें मिर्च हमारी जलने ना पाए। और लीजिए इसको हम एक बार और अभी पे इसको हम बेल दे, कई बार इसको हमने मिक्स कर लिया है। और इस तरह की मिर्च बना के आप कभी सफर में जाएं तो रख लें, बहुत ही बढ़िया लगता है ये खाने में। और इसको बना के आप 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और ये राजस्थान की फेमस मिर्च की टिपोरे हैं, वहाँ पे ये लोग बना के रखते हैं इसको। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो इसलिए आप जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस हमारे मिर्च के टिपोरे बनके तैयार हैं, बस इनको एक मिनट और हम हल्का सा भूनेंगे। और देखिए काफी अच्छे से गल भी गए हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि जब मिर्च को धोएं तो अच्छे से उसको पहले सुखा लें, क्योंकि इससे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पानी रहा और तो मिर्च खराब होने का भी डर रहता है, क्योंकि फिर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं ये। इस बात का ध्यान रखें कि पानी बिल्कुल ना हो। और इसको एक मिनट हम बस थोड़ा सा तेल आंच पर हल्का सा भून लेंगे और हमारे मिर्च की टिपोरे बनकर तैयार। तो लीजिए एक मिनट हो चुका है, हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम निकालेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे राजस्थानी मिर्च के टिपोरे। तो ये राजस्थानी मिर्च के टिपोरे बनकर तैयार है। आप इसको दिए हमारे दिए तरीके से बनाएं, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी।